तो बेटा लास्ट टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, आइस एवरेज जो कि हो चुका कंप्लीट, ठीक है ना बच्चा लोग। तो आज स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, रिएक्शन इंटरमीडिएट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ही डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में कुछ टर्म्स आते रहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट के, तो कंफ्यूज ना करें इसलिए इसको पहले देख लेते हैं। पूरा थ्योरिटिकल टॉपिक है, आपको याद रखने ये सारी चीजें, लेकिन सबसे पहले समझना पड़ेगा वो चीज है क्या, बनते कैसे हैं। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट, इस नेम से क्या समझते हो बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट से या इस टर्म से क्या समझते हो? आधा रिएक्शन वो भी बोल सकते हो, और कुछ रिएक्शन में, रिएक्शन होने के लिए जो बीच में हाँ ये करेक्ट होगा, ये अब थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया। वैसे ही कुछ है, कोई भी रिएक्शन में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डायरेक्टली चेंज नहीं होता, मतलब कोई भी, मतलब मैक्सिमम रिएक्शन में, कोई भी बोलना गलत होगा, ठीक है ना, कुछ रिएक्शन को छोड़ दिया जाए तो रिएक्टेंट तुरंत प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता, ठीक ना बेटा। उसके बीच में एक शॉर्ट लिविंग स्पीसीज बनता है, बहुत ही कम समय के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, ठीक है ना। तो वही स्पेसिज बताता है आने वाला प्रोडक्ट कैसा होगा या क्या प्रोबेबिलिटी है किस टाइप के प्रोडक्ट बनने का, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में ना चेंज होकर एक छोटा टाइम के लिए कुछ और दूसरे चीज में कन्वर्ट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। और जो डिसाइड करेगा नेचर ऑफ प्रोडक्ट या फिर आइडिया देगा किस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो बेटा कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे होता है बेटा, ये बहुत कम समय के लिए बनता है, ये पहला इंफॉर्मेशन है बेटा। इसके बारे में कुछ बातें नोट कर लेते हैं, इट इज शॉर्ट लिविंग स्पीसीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या बेटा ये शॉर्ट लिविंग स्पीसीज, बहुत ही कम समय के लिए बनता है, ठीक है ना बेटा। सेकेंड पॉइंट, अब ये बनेगा कैसे बेटा, तो बनने से पहले हमको पता होना चाहिए कोई रिएक्शन रिएक्टेंट, रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज कैसे होता बेटा। जैसे ए टू बी टू आपस में रिएक्ट किए, प्रोडक्ट बना हमारा टू टाइम्स ऑफ ए बी, तो यहाँ पे हुआ क्या होगा बेटा, ये ए टू है, ये बी टू है, और बन क्या रहा है टू टाइम्स ए बी, तो बना कैसे होगा बेटा, ए और एक बी के बीच बॉन्ड बना नए प्रोडक्ट में, तो यहां बताओ बना कैसे होगा ये रिएक्शन। तो उसी पे डिपेंड हो जाएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट कैसे बनता है। ये रिएक्शन कैसे हुआ बेटा, सिंपल सा चीज पूछ रहा हूँ। हाँ ए टू ने बी टू से रिएक्ट किया, लेकिन बी क्या A2 पूरे N2 ने B2 से B से रिएक्ट किया क्या बेटा, यहाँ पे क्या हुआ होगा बेटा, डायरेक्ट ऐसे रिएक्ट तो नहीं करेगा, पहले क्या होगा बॉन्ड टूटेगा, यहाँ का बॉन्ड टूटेगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, फिर A और B आपस में रिएक्ट कर लेंगे और बन जाएगा AB, ऐसे नहीं हुआ होगा रिएक्शन। कॉमन सेंस है भाई, एकदम सिंपल सच बताया भैया, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना है तो पुराने रिलेशनशिप को तोड़ना पड़ेगा ना। यस सर। देखा समझ में आ जाता है तुम लोग, है ना। तो ये नया रिलेशनशिप मतलब नया बॉन्ड, ये पुराना रिलेशनशिप, तो पुराना रिलेशनशिप टूटा, नया बॉन्ड फॉर्म हुआ, न्यू रिलेशनशिप, ठीक है ना बेटा। तो बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा और ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा, तो बॉन्ड के ब्रेक होने से ही क्या बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो कैसे फॉर्म होता है भाई बच्चा लोग, कैसे फॉर्म होगा, इट इज फॉर्म्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड, ओल्ड रिलेशनशिप मत लिख देना, ठीक है ना, डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड डिसोसिएशन का बोलते हैं बॉन्ड क्लीवेज, और बॉन्ड क्लीवेज या इसी को बोला जाता है बॉन्ड फ्यूजन।
ठीक है. तो इट इज शॉर्ट लिविंग स्पीसीज. इट इज फॉर्म्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड एंड बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फिशर. थर्ड पॉइंट, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं. दे आर डिफरेंट टाइप्स, ठीक है ना. ये अलग अलग टाइप के होंगे बेटा. अब इनको डिस्कस करेंगे एक एक करके. तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ये बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड फ्यूजन वाले जो टर्म है उनको समझना है, तब हमको समझ में आएगा इनके टाइप, ठीक है ना. तो नेक्स्ट हेडिंग बॉन्ड डिसोसिएशन. तो नाम से पता चल रहा बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब क्या होगा. बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा, ठीक है ना. मतलब रिलेशनशिप ब्रेक होगा यहाँ पे. तो बेटा रिलेशनशिप देखो दो तरीके से ब्रेक हो सकता है, ठीक है ना. ए और बी रिलेशनशिप में, ठीक है ना. एलिमेंट है, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है ना. इस रिलेशनशिप में क्या हुआ, ए जो है एक जो प्रोसेस है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर. दूसरा ब्रेक होने का तरीका क्या है बेटा, पॉसिबिलिटी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी लेके बाहर, तो बी पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ए पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. या फिर ए लेके बाहर, तो एक पॉसिबिलिटी क्या होगा, ए पे नेगेटिव चार्ज, बी पे पॉजिटिव चार्ज. सिंपल सा भाई, रिलेशनशिप में दोनों का, दोनों एक दूसरे से परेशान, तो बोले भाई तूने आज तक मैंने जितना पैसा खर्चा किया, तूने पैसा जितना खर्चा किया, हिसाब किताब करते हैं, बराबर करते हैं और निकल जाते हैं, हटा अपनी दुनिया में. अब बेईमान वाला रिलेशनशिप, अच्छा खासा यूज करके उसके पैसे को खर्च करके, मतलब ले लिया तो उस पर पैसा बढ़ गया, मतलब नेगेटिव चार्ज, उससे पैसा कम हो गया पॉजिटिव चार्ज. तो ये दो तरीका होता है ना बेटा. तो इस दो तरीके से बॉन्ड भी टूटेगा. तो कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है, भाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन एक का क्या किया, यूज किया, मतलब एक दूसरे से शेयर किया, अब बॉन्ड बन गया, ठीक है. अब ये बॉन्ड ज्यादा दिन तक चला नहीं, होगा कुछ रीजन, ठीक है ना. तो ये क्या हुआ, बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर. तो ये अलग टाइप का बॉन्ड डिसोसिएशन. अब बी के मन में आ गया बेईमानी, बी ने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर रफू चक्कर, तो ए पे कुछ नहीं बचा तो पॉजिटिव चार्ज. या फिर अगर ए रफू चक्कर होता है तो बी पे कुछ नहीं बचा तो पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पे टर्म्स यूज होता है एक होमो और एक होता है हेटेरो, मतलब हेट्रो. होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन या बॉन्ड डिसोसिएशन और हेट्रोलाइटिक. तो क्या होगा इन दोनों में से, होमो हेट्रो कौन होंगे बेटा. सर जिसमें दोनों में अपने अपने इलेक्ट्रॉन गए वो होमो में आएंगे, ठीक है. यस सर. और जो एक पे ही गया वो किस पे जाएगा बेटा, हेट्रो पे. क्लियर है. अब तो ये तो टाइप भी हो गया बेटा, दोनों समझ लिया. बॉन्ड डिसोसिएशन क्या समझे फिर, बॉन्ड डिसोसिएशन से क्या समझे सर. वो दोनों जो एक बॉन्ड बना था वो टूट गया. हाँ, रिलेशनशिप टूट गया. तो उस टूटने से क्या हुआ बेटा, दोनों दुखी होके कहीं चल गए, ऐसा क्या कुछ तो हुआ होगा ना. टूटा है तो एकदम सीआईडी सीआईडी खेलना है, क्या होगा दया बताओ, कुछ तो गड़बड़ वाला के लिए. क्या हुआ बेटा, बॉन्ड टूटा तो जो इलेक्ट्रॉन है किसी एक एलिमेंट के हो या फिर दोनों पेरेंटल एलिमेंट की ओर शिफ्ट होते हैं, ठीक है ना बेटा. द फिनोमिना इन विच द फिनोमिना इन विच बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन गोस टू पेरेंटल एटम और टूवर्ड्स एनी वन एटम इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन
बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड फिजन। ठीक है बेटा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयर्ड में थे या जैसे भी हैं, वो किसी एक एलिमेंट के ऊपर चल गया तो भी बॉन्ड डिसोसिएशन, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, पेरेंटल मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन आए थे वहां चल गए, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन। ठीक है ना बेटा, बॉन्ड टूटा मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन आगे पीछे कहीं भी गए, किसी एक की ओर, किसी दोनों की ओर, इक्वल इक्वल, तो भी मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन। तो टाइप्स क्या है बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन के? सर तन्मय वेटिंग रूम में है। हाँ, और ये रिक्वायर्ड एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है ना, रिक्वायर्ड एनर्जी को हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है बच्चा लोग, तो टाइप्स कितने टाइप्स के हैं बेटा, ये दो, होमो लाइटिक और सेकंड हेटेरो मतलब हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन या बॉन्ड क्लीवेज। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं बेटा इनको। होमोलाइटिक, तो क्या होगा बेटा, होमोलाइटिक में किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाएगा या फिर पेरेंटल एटम पे जाएगा? पेरेंटल। ठीक है ना, तो दोनों में से कौन सा लोगे, पेरेंटल। तो इन दिस टाइप बॉन्ड क्लीवेज, इन दिस टाइप बॉन्ड क्लीवेज इलेक्ट्रॉन गोस टू कहाँ जाएगा बेटा, पेरेंटल, पेरेंटल एटम। इससे क्या होगा बेटा, चार्ज नहीं आएगा ना, है न्यूट्रल, न्यूट्रल स्पीसीज इज फॉर्म्ड। क्या बोलेंगे बेटा, न्यूट्रल स्पीसीज फॉर्म होगा, जैसे हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड रेडिकल। ठीक है, ठीक है बच्चा, तो इससे क्या बनेगा, न्यूट्रल स्पीसीज जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल। एग्जाम्पल CH3H, सनलाइट, जनरली ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है बेटा, मतलब बहुत ज्यादा हीट, फोटोकेमिकल कंडीशन बोलते हैं सनलाइट को, या बहुत ज्यादा हीट पे होगा। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक हाइड्रोजन का, दोनों के बीच अच्छा खासा रिलेशनशिप कर रहा था, कार्बन को कोई दूसरा नया एलिमेंट मिल गया बॉन्ड बनाने के लिए, हाइड्रोजन का दूसरा, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो गया भाई, बच्चा लोग दूर जाना चाह रहे थे, तो बोलता है कार्बन तू मेरा इलेक्ट्रॉन, तू अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेते हैं ले लेता हूँ, अब दोनों साथ में रहेंगे, बाय बाय टाटा उटा करके निकल लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ गया और एक इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर आ गया, अपना हाइड्रोजन पे। तो इस तरह से जो डॉट सिंबल बनता है ना बेटा, उसी को बोलते हैं रेडिकल। तो रेडिकल चार्ज किस, रेडिकल किस पे बेटा, कार्बन पे, तो क्या बोलेंगे, कार्बन रेडिकल। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन पे तो क्या बोलेंगे उसे, हाइड्रोजन रेडिकल। ये सिंबल याद रखना, मैंने ऐसे नहीं किया बेटा, हाफ एरो बनाया है। ठीक है ना, तो होमोलाइटिक फिजन को हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सब चीजें याद रखा करो। दिस टाइप क्लीवेज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टाइप, this type cleavage represented by, this type cleavage represented by half arrow। ठीक है बच्चा, अब second कौन सा बेटा, hetero, hetero lytic। तो हेट्रोलाइटिक, तो क्या होता है बेटा, हेटेरो में अपने पेरेंटल एटम के पास चल जाते हैं बेटा। नो सर,
सॉरी यार पेरेंटल तो यहाँ गए थे, यहाँ पे कहा जाएंगे किसी एक एलिमेंट की ओर. इन दिस टाइप बॉन्ड क्लीवेज इलेक्ट्रॉन गोस टू. अब बेटा वो एक एटम कौन सा को मुझे बताओगे? एग्जाम्पल शायद बता दो, शायद तुम लोग बता दो. CH3Cl यहाँ पे बोन ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट होंगे? CH3 सर. तो CH3 तरफ होगा तो क्यों, Cl के साइड होगा तो क्यों? ऐसे अद्भुत विचार आने का रीजन भी बताओगे? सर वहां पे तीन हाइड्रोजन है इसलिए. तीन हाइड्रोजन से ऐसा क्या हुआ बेटा? अच्छा तीन हाइड्रोजन है तो ज्यादा लोग ऐसा Cl को मार पीट के उसका इलेक्ट्रॉन ले लेंगे. हाँ एक स्टोरी ये बन सकता है. पर रजनीकांत वाला मूवी नहीं देखे बेटा? शेर झुंड, मतलब क्या बोलते हैं, शेर अकेले आता है झुंड में तो क्या आते हैं बेटा, ये दर्स यार ये सब कुत्ते झुंड में आते हैं. हाँ तो बेटा यहाँ पे Cl अपना शेर टाइप का है समझ लो. क्यों है ये मुझे बताओ. इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा. हाँ तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा बेटा? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है. भले यहाँ पे तीन चार लोग हैं तो उससे क्या होता है, यहाँ पे कौन है बेटा Cl और हाइड्रोजन. तो बेटा लाचार बेचारा इस टाइप का एलिमेंट है, जब चाहे उससे कोई यूज कर लेता है, जब चाहे उसको उठा कर कोई फेंक देता है. तो Cl यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है ना. इस रिलेशन का मास्टरमाइंड क्या है, Cl. ठीक है, Cl बोलता है चल भाई तू भी स्टेबल हो जा, मैं भी स्टेबल हो जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर लेते हैं. बाद में Cl बोलता है अच्छा अब शेयरिंग हो गया, अब मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपना औकात दिखाता हूँ. तो Cl इलेक्ट्रॉन लेके फरार. अब बेचारा कार्बन रोटा रोता हुआ बैठा हुआ है क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन दूर गया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज. तो इन दिस टाइप बॉन्ड क्लीवेज, दिस टाइप बॉन्ड क्लीवेज इलेक्ट्रॉन गोज टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ठीक है ना बेटा. तो इससे किस टाइप की स्पीसीज फॉर्म होते हैं बेटा? डेट मीन्स चार्ज्ड स्पीसीज आर फॉर्म्ड. ठीक है ना बेटा. तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बनेंगे. क्लियर है बेटा. और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बाय कंप्लीट एरो. समझ में आया बच्चा लोग? तो छापो होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस. सर जैसे कि उसको रेडिकल बोलते थे, इसको क्या बोलेंगे? बताएंगे. पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन, नेगेटिव चार्ज है तो एनायन. कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बो कैटायन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन आयन. ठीक है ना. सर वहाँ पे हाइड्रो रेडियल भी होता है क्या? बन सकता है, हाइड्रोजन को भी ले सकते हो. तो हाइड्रोजन को लोगे तो वहां पे किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वहां पे बेईमान कौन हो जाएगा? कार्बन, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हाइड्रोजन से. हाँ सर. है ना. सर हाँ बेटा. तो जैसे कार्बन रेडिकल का एक नाम है तो हाइड्रोजन का भी कुछ ऐसा नाम है क्या? हाइड्रोजन रेडिकल बोल दो. हाइड्रोजन रेडिकल. ओके सर. अब बेटा वही वाला चीज है ना, आजकल हमारा नया डायलॉग शर्मा का बेटा शर्मा ही कहलाएगा ना. तो हाइड्रोजन का बेटा है तो हाइड्रोजन ही कहलाएगा, तो उसी से मिलता जुलता ना. क्लियर है? यस सर. हाँ बेटा. सर ऊपर वाले रिएक्शन में एरो के ऊपर क्या लिखा है? HB. H न्यू है. H न्यू. अब ये क्या लिखा है बेटा आज बताना पड़ेगा. कई वर्षों पहले की बात है, एक प्लांक स्टोरी करके एक टॉपिक था, उसमें कुछ बताए थे एच न्यू क्या होता है. यस सर. बताए थे ना. हाँ सर. तो सनलाइट है, सनलाइट का एनर्जी है, उस एनर्जी में छोटे छोटे क्वांटा होते हैं, उसकी अपनी एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं एच न्यू. तो सनलाइट किसी रिएक्शन में सनलाइट का रिक्वायरमेंट है
तो वहां पे एच न्यू टर्म्स यूज होता है, ठीक है। सर हेटरो को फुल एरो से रिप्रेजेंट करता ना क्या? हेटरो को फुल एरो से करता ना? हाँ फुल एरो बोल लो, कंप्लीट एरो बोल लो, ठीक है ना। हेटरोलाइटिक क्लीवेज, बोन क्लीवेज रिप्रेजेंटेड बाय कंप्लीट एरो। इस तरह से बोन टूटेगा, ठीक है ना बेटा। या तो होमोलाइटिक फ्यूजन होगा या तो फिर हेटरोलाइटिक फ्यूजन होगा, क्लियर है। छाप ली बच्चा लोग? अभी जो एक दो लेक्चर है ना बेटा, दो तीन लेक्चर पूरा थ्योरिटिकल टॉपिक है, ठीक है ना। उसको अप्लाई भी नहीं करना, उसके थ्योरी को बस याद रखना है। और इसके बाद बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरा है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोडक्ट बनाना है तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट पता होना चाहिए। रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन बनेगा, कब कैसे स्टेबल होगा, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। इंटरमीडिएट बनता है क्यों है इसके लिए पता होना चाहिए। बोन टूटता कैसे है, बोन टूटने से पहले पता होना चाहिए बोन बनता कैसे है। तो केमिकल बॉन्डिंग में पड़े तो सब चीजें एक दूसरे में लिंक है ना। और यहाँ पे हम कोवेलेंट बोन क्यों ले रहे हैं बेटा, आयनिक बोन क्यों नहीं लिए? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन होगा, कार्बन होगा मतलब पी ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक होगा तो जर्नी पी ब्लॉक का एलिमेंट कौन से बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो चलो रब कर दे रहे बच्चा, रब कर देना। यस सर। तो रिजल्ट क्या मिला बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन का? टू डिफरेंट टाइप का हुआ बॉन्ड डिसोसिएशन, उनका रिजल्ट क्या बेटा? तो इसको नोट में, बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन है, रिजल्ट कर लेते हैं, रिजल्ट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन होमोलाइटिक इज फाउंड नेक्स्ट है हेटेरो मतलब हेटरोलाइटिक इज फाउंड। तो होमोलाइटिक से क्या फॉर्म होगा बेटा लोग? रेडिकल। क्या फॉर्म होगा? रेडिकल। कार्बन पे रेडिकल आया तो क्या बोलेंगे बेटा? कार्ब फ्री रेडिकल। क्या फॉर्म करता है ये? रेडिकल। इससे फॉर्म होता है कार्ब फ्री रेडिकल। फ्री वर्ड क्यों आया बेटा बताएंगे, ठीक है ना। ऑफर में आया इसलिए फ्री रेडिकल बोलते हैं उसे, फ्री मिला इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है। कार्बन पे क्या होगा? डॉट सिंबल, ठीक है। एक होता है कार्बिन इस टाइप से, नाइट्रीन, ठीक है। अब इससे चार्ज स्पीसीज, चार्ज स्पीसीज में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हुआ तो कार्ब एन आयन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हुआ तो, कार्बन पे है तो पॉजिटिव चार्ज तो कार्बो कैटायन,
या फिर बोलते इसे कार्बोनियम आयन, ठीक है ना। तो ये मेन रिएक्शन इंटरमीडिएट है। मैक्सिमम रिएक्शन में आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो मैक्सिमम रिएक्शन में है। फोटोकेमिकल मतलब सनलाइट वाला कंडीशन हुआ, एचनी वाला, तो ये कार्बन भी बन सकता है। ये थोड़ा सा दो स्पेशल नेम रिएक्शन में बनता बेटा, ट्वेल्थ में है वो रिएक्शन, ट्वेल्थ के चैप्टर में, ठीक है ना। बहुत फेमस रिएक्शन, उससे क्वेश्चन भी आए हैं कार्बन। तो जल्दी से नोट करो, रिजल्ट है और इन्हीं के बारे में पढ़ना है। रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बन एंड नाइट्रिन्स, ठीक है बच्चा लोग। तो तनिक जल्दी से छाप लो। एक एक करके देखा जाए इसके बारे में, सब तुम ही लोग दोगे इन्फॉर्मेशन, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन। बस पुराना कुछ एक आध दो थ्योरी जो पूछा जाए तो याद होना चाहिए, कौन सा थ्योरी है सब पता चल जाएगा। सर नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के ऊपर दो है ना? हाँ दो है, एक बाजू में एक ऊपर में, या नीचे जहां बनाना बना लो। तो स्टार्ट करें बेटा, एक एक करके डिस्कस करना सभी को। तो फर्स्ट हेडिंग नोट करो, कार्बोकेटायन। फर्स्ट हेडिंग नोट करो, कार्बोकेटायन, या इसे को बोलते बेटा कार्बोनियम आयन। तो बच्चा लोग बताने का कष्ट करोगे, ये फॉर्म किस में होता है, होमोलाइटिक या हेटरोलाइटिक में? यही पॉइंट याद रखना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे। कैसे फॉर्म होता बेटा? इट इज, हाँ तो हेटरो में है, इट इज फॉर्म्ड बाय हेटरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन, कौन माइक ऑन कर रहा था बेटा, गाना सुना रहा था बेटा, खुद ही सुन लो माइक बंद करके, काहे डिस्टर्ब कर रहे दूसरे को। हाँ तो हाइब्रिडाइजेशन में बेटा CH3 था कार्बोफ्रीडिक, सॉरी कार्बोकेटायन में एग्जांपल। तो मुझे ये बताओ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, तो एक इलेक्ट्रॉन गायब। हर हाइड्रोजन ने मतलब एक एक हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसके साथ, कार्बन के साथ। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितने होते हैं बेटा? कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर है? बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड, 3, लोन पेयर 0, तो 3 से क्या होता है बेटा sp2। याद आया कुछ? तो हाइब्रिडेशन क्या बेटा? sp2। स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा हाइब्रिडेशन पता चल गया तो? sp2 विथ 0 लोन पेयर, बोलो। गजब मस्त पढ़ाई हुआ था मतलब। अरे मेरे मिट्टी के माधव लोग, बोलोगे कुछ? यस सर। तो बताओ क्या होगा स्ट्रक्चर? ट्राइगोनल प्लेनर सर। ट्राइगोनल प्लेनर, चलो किसी को कुछ लोग को तो याद है, बाकी लोग तो सब भांग पी के सोए हुए हैं, नशे में हैं। पीपी, बस क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन हम जब क्वेश्चन पूछने लगे तो हटाओ ना सर, क्या पूछते रहते हो, काहे परेशान करते रहते, ऐसी जिंदगी परेशान है वाला फील आने लग जाता। ये ट्राइगोनल प्लेनर है, अब मैं लिख दे रहा बेटा, मैं बताऊंगा नहीं। ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? 2p वैकेंट ऑर्बिटल। क्यों वैकेंट है खुद खोज लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये पूछा तो बता नहीं रहे हो, तो पुराना तो पढ़े नहीं हो गए,
ये जो है वैकेंट ऑर्बिटल है, क्यों वैकेंट है खोज लेना था, हाइब्रिडेशन में इसका राज छुपा हुआ है। तो कार्बन कटायन के पास होता है 2p वैकेंट ऑर्बिटल। रटो तुम लोग, बस इसी के काबिल हो, समझाने लायक नहीं हो क्योंकि भूल जाते हो समझाने के बाद। कम से कम रटो बोलो तो समझ के तो रहोगे। तो हाइब्रिडेशन ये हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। बताओ वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन इन कार्बन कटायन कितने होंगे बेटा? गच्छा, ये कार्बन है, कार्बन के आउटर सेल में थे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन आया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरा हाइड्रोजन आया, ले भाई तू भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तीसरा आया उसने भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब पॉजिटिव चार्ज है तो ये गायब। तो बेटा वन कहाँ से आया? मेरे ख्याल से 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 वैलेंस सेल में। क्या इंजीनियर बनोगे तुम लोग ऐसे ही रहा तो? चार्ज नहीं देखा क्या? पॉजिटिव चार्ज नहीं देखा। तो क्या होगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन इन कार्बन कटायन कितना होगा? 6। तो मुझे बताओ बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नो सर, नहीं है। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है बेटा? 8। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन का भीख मांगना पड़ेगा? दो। तो एक बहुत विख्यात साइंटिस्ट थे लेविस, उनका कहना था वर्षों पहले, उन्होंने कहा था अपने मरने से पहले कि जो 2 इलेक्ट्रॉन का भीख मांगे उसे क्या कहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर, क्या कहेंगे उसे? लेविस एसिड बेस पढ़ा है ना जी, बताओ। तो लेविस अपने मरने से पहले एक स्टेटमेंट देके गए थे बेटा, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आप मत बोलना सर वो जब मरे थे तो मैं था ही नहीं, तो उससे मरने वाले पहले से कैसे पता चलेगा। तो लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए ना हम, तो क्या कहते थे बेटा लेविस, जो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मांग के लेके आए या ले या एक्सेप्ट करे वो क्या होता है? एसिड और बेस। बेटा तो बारिश वरिश हुआ है, बताओ तो। हाँ सर। बेटा उस बारिश में क्या अपने सर के बाल छिलवा के टकला होकर बैठ गए थे? दिमाग भी पूरा धुल गया बारिश के साथ? कुछ याद ही नहीं है भाई। और उस बारिश हुआ होगा ना बेटा, कहीं गड्ढा उड्ढा हुआ होगा, उस गड्ढे में जाके ना नाक डुबा कर सुसाइड कर ले, तुम लोग जीने लायक नहीं हो, ऐसे ही पढ़ोगे तुम लोग। एसिड एसिड, हाँ याद आया, मतलब बिना डांट खाए आंसर नहीं देना चाहते, ऐसा कुछ बना लियो क्या? तो लेविस क्या कहता है, जो लोन पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे वो क्या होता है? एसिड। ये एक्सेप्ट करेगा ना भाई, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऑल कार्बोकेटायंस, ऐसा सी प्लस कर लेते कार्बोकेटायन, ठीक है ना। कार्बोकेटायंस आर एक्ट एज अ गुड लेविस एसिड। क्यों एसिड है बेटा? बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। फॉर क्यों एक्सेप्ट करेगा बेटा? कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, ठीक है ना बेटा। और यार कहा जहां पे भी कोई लेविस बेस लेविस एसिड बोला तो वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो नोट कर लेना नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, ऑल कार्बोकेटायंस आर गुड इलेक्ट्रोफाइल। पता अब बात आता है ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है,
ए प्लस रिप्रेजेंट करते हैं, जितने भी लेविस एसिड है वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे। क्यों होंगे? तो इलेक्ट्रोफाइल कहने का मतलब क्या वो समझो, फिलिक वर्ड और फोबिया वर्ड, मतलब फोबिक, दोनों से क्या समझते हो? फिलिक और फोबिक से पसंद है। हाँ, फिलिक मतलब अट्रैक्टिंग ग्रुप, मतलब अट्रैक्ट करने वाला, ठीक है। फोबिक मतलब उससे डरने वाला, मतलब उससे दूर जाने वाला। तो फिलिक मतलब कोई अट्रैक्ट होगा, कौन अट्रैक्ट होगा? इलेक्ट्रो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो मतलब क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जी? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। और कार्बन का आयन कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो किसको अपनियोनेट करेगा? नेगेटिव चार्ज को। इसलिए इसको कार्बन का आयन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक। ये टर्म्स इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब समझ में आया? ऐसा स्पीसीज जो नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करे बेटा? अट्रैक्ट करे। कहीं नोट कर लो ऊपर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या होता है? नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला। तो कार्बन कैटायन अपना नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो ऑल कार्बन कैटायन्स आर गुड इलेक्ट्रोफाइल। एक छोटा सा टॉपिक भी चलेगा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ठीक है बेटा। तो ऑल कार्बन कैटायन्स आर गुड इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है ना। क्योंकि ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीटेड। यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज लेविस एसिड, लेविस एसिड मतलब बिकॉज ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड, ठीक है बेटा। अब इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा? पैरा मैग्नेटिक है डाया मैग्नेटिक? ऑल कार्बोकैटायंस आर पैरा मैग्नेटिक होगा या डाया मैग्नेटिक होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तो डाया मैग्नेटिक दिख रहा है यहाँ पे, पेयर्ड है सभी इलेक्ट्रॉन। ऑल कार्बन कैटायंस आर डाया मैग्नेटिक इन नेचर। अब बात आता है इनके टाइप, नाइन्थ अलग से कर लेते हैं टाइप। तो बेटा ये सर्कल वाला कार्बन कौन सा डिग्री का है? वन डिग्री का है। ये सर्कल वाला टू डिग्री का, ये थ्री डिग्री का। इस पे पॉजिटिव चार्ज तो प्राइमरी कार्बन कैटायन, इस पे है पॉजिटिव चार्ज तो सेकेंडरी कार्बन कैटायन, इस पे है तो टर्शियरी। तो कार्बन कैटायन कितने टाइप के होंगे बेटा? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है ना बेटा। सिंपल सा चीज है। तो शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी तो प्राइमरी कार्बन का चार्ज प्लस है तो प्राइमरी कार्बन कैटायन, सेकेंडरी चार्ज कार्बन पे चार्ज प्लस है तो सेकेंडरी कार्बन कैटायन, टर्शियरी पे है तो टर्शियरी कार्बन कैटायन। छाप लो। तो ये था कार्बन कैटायन के बारे में। तो ये सारी चीजें रट्टी होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना, लेकिन समझ लो पहले। तो हाइब्रिडेशन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, एसिड बेस कॉन्सेप्ट आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है ये बस थोड़ा सा नया था ये भी समझ गए, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, और ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वाला कॉन्सेप्ट शायद कुछ हाल फिलहाल में ही पढ़े हैं। छाप लिए बच्चा लोग। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो बच्चा लोग, कार्बन आयन। इसी पे मैं हटा के नोट कर रहा हूँ, कार्बन आयन। तो कैसे फॉर्म होगा बेटा ये? तो पहला पॉइंट तो यही होगा, इट इज फाउंड बाई हेटरोलाइटिक बोन क्लीवेज। हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा? कार्बन आयन पे चार्ज क्या होता है बेटा? नेगेटिव।
तो सी एस थ्री माइनस, ठीक है। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 2 3 4 माइनस मतलब एक एक्स्ट्रा, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इस हाइड्रोजन ने अपना दिया, इसने दिया, तो सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड माइनस है तो लोन पेयर, तो लोन पेयर आ गया 1, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बेटा sp3, बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1। अब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल sp3 विथ 1 लोन पेयर, ध्यान दो अच्छे से, बोलो पिरामिडल, पिरामिडल, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन इन कार्ब एन आयन कितने होंगे बेटा, 2 ऑड इलेक्ट्रॉन, बोलो नेगेटिव चार्ज था 2 इलेक्ट्रॉन ना, 8 कितने होंगे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर जिसके पास रहता है वो क्या होता है बेटा, ऑल कार्बन आयंस आर एक्ट एज अ गुड लेविस बेस, जिसके पास ऑक्टेट कंप्लीट और एक लोन पेयर है, बिकॉज इट कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, डोनेट मतलब पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करेगा। उसके बाद ऑल कार्बन एनायंस आर गुड न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज को जो पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर एक्सेप्ट कर उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के लिए एन यू माइनस ये सिंबल यूज होता है, बिकॉज ऑक्टेट, बिकॉज इसका उसका इट कंटेन, बिकॉज इट कंटेन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्टेट कंप्लीटेड, ऑक्टेट कंप्लीटेड, तो ऑल कार्ब एनायंस आर डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, लोन पेयर भी पेयरिंग में होते हैं, तो ये भी क्या होगा डायमैग्नेटिक। कितने टाइप होंगे बेटा, ये भी 3 टाइप के, प्राइमरी कार्बन आयन, सेकेंडरी और टर्शरी, तो ये पॉइंट्स याद होना चाहिए बेटा। तो ये भी हेटरोलाइटिक क्लीवेज से फॉर्म होगा, sp3 है, पिरामिडल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा, और कार्बन आयन आर एक्ट एज अ गुड लेविस बेस, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर। न्यूक्लियोफाइल जो पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर एक्सेप्ट करे, तो न्यूक्लियो वर्ड क्यों आया बेटा, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, तो जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करे मतलब पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करे उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, क्यों है बेटा, या उसकी ओर जा सके, ये भैया जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके पास जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास ही जाएगा ना, तो जो इतने भी लेविस बेस होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, याद रखना। और क्यों लेविस बेस है, क्योंकि लोन पेयर दे सकता है तो दे रहा है बेटा, और ये भी डायमैग्नेटिक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे। तो ये था कार्बन आयन, इसको भी छापो, तो छाप लिए बच्चा लोग, आज की सेवा यहीं पे करते हैं समाप्त। कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ है तो बताने का कष्ट करें, ये मत बोले सर कि कैसे याद करें, ये दुख दर्द के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपको ही करना है। तो लास्ट सेकंड पॉइंट बताना, लास्ट सेकंड पॉइंट, वाह गजब, देखो यहाँ पे ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड बेटा, लोन पेयर, पेयर का नाम ही क्या है बेटा, तो कौन सा लास्ट सेकंड, ये लास्ट हुआ, ये वाला, उठा लो भगवान, कहाँ रहते हो, कौन सी दुनिया में, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, ऐसा हमने बोला, लेविस बेस सभी के सभी न्यूक्लियोफाइल हैं, क्योंकि उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है या फिर लोन पेयर होता है, जिस स्पीसीज का ऑक्टेट कंप्लीट है लोन पेयर है मतलब वो न्यूक्लियोफाइल होगा,
ऐसा बोला है हमने, ठीक है ना बेटा, क्लियर है? हाँ सर। तो याद रखिए इस बात को, सूचना जनहित में जारी कर लो। तो कार्बन आयन ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर भी है, लेविस बेस है, तो वो होगा निक्लोफाइल, और जो लेविस एसिड होता है वो होता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। अब लेविस बेस क्या होता है, एसिड क्या होता है, इस अधिक जानकारी के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम का पेज पलटा है, सॉरी आयनिक इक्विलिब्रियम का पेज पलटा है, उसमें एसिड बेस कॉन्सेप्ट का एक थ्योरी होगा, ठीक है ना। उसके अंदर तीन टॉपिक पढ़े होंगे, आर्डनियस, ब्रॉस्टेन, लेविस बेस, तो वहां पे जाए, वहां पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है बेटा। धन्यवाद सर। धन्यवाद, क्या बोलते हैं मंडल आपका भारी है। बाय बच्चा लोग, बढ़िया बढ़िया।